Good afternoon, everyone. Who has written and directed all of their plays and also acts in most of them. Today, as we are celebrating 220th birth anniversary of Mirza Ghalib, here's our very popular group presenting their longest running comedy play in India, Ghalib in New Delhi. This rip-roaring comedy has the great erstwhile Urdu poet Mirza Ghalib revisiting his beloved Delhi, now ironically Delhi, in 2018, to witness his posthumous fame. So here we present the troupe, Pierrot Troupe, by Words in the Garden team, presenting their play Ghalib in New Delhi. The play will be starting in 2 minutes. Thank you. कहने लगे बड़मिया डर गए क्या आपने वो
की होगी कि बकरी की मेघनी, बकरी की मेघनी का भी कहा। आपने वो कहावत तो सुनी रखी होगी कि बारकिंग डागस सेलडुम बायट, यानी भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। मैंने कहा जनाब क्या कुत्तों ने भी ये कहावत सुन रखी है? आप जरा अपने डेरा देख लेना, उन्हें अपने डेरा दूसरी तरफ यानी कुत्तों की तरफ कर लिया। इधर हमें कई लोगों ने आ घेरा, कोई कहने लगा रे यू तो तिरंप का चाचा है। तब ये और आवाज आई कहेगी नाना यू तो हिल रही क्लिंटन का मामा है। मैं भी तंग आ चुका था साहब, मैंने कहा अरे साहब मैं गालिब हूं और यही दिल्ली का बाशिंदा हूं। गोया जवाब भी आज फरमाते हैं तब तो दिल्ली छह का होगा। मैंने पूछा साहब ये दिल्ली छह क्या है? जवाब देते फिल्म है और फलाप है। दो चार रोज में मालूम कर लूंगा कि ये दिल्ली छह क्या है। हाँ ये भी मालूम करूंगा कि ये दोनों हजरात डरम के चाचा और हिल गई क्लिंटन के मामा कौन लोग हैं और दिल्ली के किस मोहल्ले में रहते हैं। पांच किसी तरीके से बाहर निकला तो ये तंबोलन वीर बाउटी नजर आ गई। वही मेरा हाथ भी लिखे जाता हूँ कोई रोटो रोटो मैक नाम के हरम से पान भी चबाया जाता हूँ। अच्छा यहाँ से सीधा अपनी हवेली बल्ली मारान जाऊंगा और वहां से नई दिल्ली साथ ही साथ जिले सुबानी बहादुर शाह सफर शौक नहीं था नाराज हो जाएंगे। मलिक शोरा उस्ताद शौक खान ये हिंद को मेरा सलाम पहुंचे आज तक हालात लिखता रहूंगा खुदा आपके। हाँ तो बहन जी तो बहन जी भोगते होंगे हसी नए आलम ख्याल में आने ख्याल
मुझे तो ज्यादातर शरीफ नजर आ रहे हैं, चोरी करके काम है। एक साहिबा है यहाँ मालवी का, उनके नाम में ही माल लगा हुआ है। साथ में तेरा भी मार को उतरी दे।
ਉਤਿਆ ਗੱਡੀ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਏ ਨਿੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਸਾਇਆ ਲੈ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿੱਲੂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਹੱਸਾ ਦਿਆ ਓ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਹੱਸਾਇਆ ਲੈ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਲਾਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੱਤ ਵੀ ਲਾਦੀ ਆਜ ਬਿੱਲੂ ਬੱਚਾ ਤੇ ਆਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਸਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਂਗੇ ਟੋਲ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦੇਗਾ ਅਰੇ ਆ ਜਾ ਨਾ
दिल्ली महाराज जाएंगे, दिल्ली महाराज आदमी साबुन चला सके, मेरा घोड़ा कहाँ से डाला? दिल्ली महाराज, जनाबे वाला ले चलिए, आपको खुदा का वास्ता, आओ दिखाऊं तुम्हें यहाँ रास्ता।
419, 425 इन गिनतियों का क्या करूं? जनाब जनाब नई दिल्ली जाना है साहब, मेट्रो जबान दुरुस्त कीजिए अपनी, मत रू होगा। जनाब जनाब आप बता जनाब जनाब नई नई दिल्ली जाना है साहब, जाम लगा है। अरे साहब जाम लगा है तो लगा रहने दीजिए, मुझे फुर्सत हुई तो मैं भी ये काम जाम लगा।
पाकिस्तान बदमाश प्रधानमंत्री शरीफ है। तो वही शरीफ था, उसको भी निकाल दिया। एक अपना देश है, सीधा देश की रक्षा मंत्री बन गई है। अरे जिसकी रक्षा देश को करनी चाहिए वो देश की रक्षा कर रही है। अरे मेरी रक्षा कोई करेगा? अरे मेरी कोई रक्षा कर? अरे हल्दी अरुण बजटली बजट वाली पेटी लेके भागी। अरे अच्छे बिशप पितामह। बिशप पितामह मैं अपनी बेगमात आए हुए हैं। अरे हम पिता चौपे ये इनका ध्यान बेगम पे ही लगा है। रास्ता ही बंद है। लगता है दद्दू का कैंप खराब है। ये रास्ता है। पतंजलि का तेल नहीं जाता। आसन करके वो बोला हसीनों बेखुदूत बात मरने
चंद तस्वीरों ने बताई चंद हसीनों की करतूत। नहीं तू जाने के लाइसेंस बना तू बा जितनी बार बोलता नहीं कोई चेक नहीं करेगा।
जनाबे वाला जो मेरा सो आपका ठीक है एंटी करप्शन घूम मिली एंटी करप्शन को दे दीजिए घूम दीजिए बिल जान को दे दीजिए गुगल जान के लिए लाया था बिल जान ले जाएगी मेरी जान जेब में धन अच्छा साहब अपनी जेब में धन ले 5 लाख में नौकरी हाथ लागी खराब करवा देगा इंडिया फिरेंगे इंडिया क्या हले लगेंगे क्या इस आलम
एक बंदा मेरी खबर लेगा ही। हम ही पांडव वाला नारा की थोड़ी ना बात करो।
की जिंदाबाद। पता नहीं 2019 में किसका सरकार आ जाए। इस प्रकार जहरी कार्ड हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या कर दीजिएगा? अरे भाई पुत्र,
अंग्रेजी का अंडरस्टैंडिंग तो कमेल की हुआ भाई। वहां जो कीजिएगा ना उसमें पानी फेंक दीजिएगा पानी। यानी अपने सारे किए धरे आपका जो मर्जी में आएगा ना वही फेंकता रहिएगा। वही सारा हम तो आपको चट्टान किसे प्रोड्यूसर कराना भूल गया भाई। हाँ बैठे 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 किमसे 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 बैठे बैठे किमसे सिट माने बैठना होता था। ज्यादा देर तक बैठे रह जाने सिट करती। Ghalib hai, aur hum log factory mein aaye the
बेहुलमती मतलब ट्रांसलेशन द लैटिन होता साला बेहुलमती 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 अरे आप तो कह रहे ना अपने काका ने बहुते क्या बहुते अरे सवेरे शाम करते सुना दे सुना दो भाई तनी सेंटर में चले ले उनके देखे से जो मुख पड़ा जाची है आबा उनके देखे से जो मुख पर आ जाती आबा वो समझते हैं रोगी की दशा उत्तम है सुभान अल्लाह वो तरमा क्या बेहुरमती की है उनके देखे से जो आ जाती है मुख पर रौनक वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है भी अच्छा है भाई तुम्हारे काका मेरे आशा की बेहुरमती करने के अलावा और क्या क्या करते हैं काका काका करते हैं काका अरे ये पूछे काका काका नहीं करते हैं काका 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 साउंड खा रहा है काका अरे देखिए आपका जितना भी उर्दू वाला सब कविता है ना उसका हिंदी में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं काका अरे जैसे आपके एक बोल वाला कविता नहीं है पत्ती हर भाग में चलता है बोल होने तक उसका भी हिंदी में डांस पढ़ने से करती है सुना दे सुना दे अरे बोलिए ना मुंह में कुछ नहीं हो रहा है सुना दे सेंटरवा अरे कोई बात नहीं सुनिए और मौका मिले तो टू ही निकल वेदना को चाहिए वेदना एक आयु प्रभावित होने का वेदना को चाहिए एक आयु प्रभावित होने तक कौन जीता है तेरे लट के कपाल होने का आधी बेहुरमती छपड़ा में काका कर रहे हैं और आधी या सेंटरवा भतीजा मुड़प्पा मुड़प्पा अजीब जमाना आ गया है साहब बोतल नहीं होती
होती जा रही है, साथी पुराना होता जा रहा है। वक्त पे जितनी मिल जाए मुनासिब समझिए हजरत गालिब। मैं तकरीबन पूरी बोतल पैक पी गया, पर नशा बिल्कुल नहीं आया। ठीक है लो पापा जी। यही मोहतरमा देख लीजिएगा, ये कंपनी ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। आपको घर समझ में नहीं आ रही? हमको तो पूरे के पूरे काले में नहीं समझ में आ रहे भाई। भाई तू ही टैकल कर रहे, मेरे को टाइम शेफ नहीं आएगा। मैं ब्यूटी पार्लर जाना वे, फिर है तू मर तो ब्यूटी पार्लर से टाइम भी ज्यादा लग जाना वे। ऊपर और टिंकू दे पापा दिया स्ट्रेटिंग इंस्ट्रक्शन है दिया ने कि जदों भी मेरे को आओ ब्यूटी पार्लर होके आ जा। अच्छा काला जी मैं चल रही, आपको पहचान नहीं पाते होंगे तो आप अच्छी लगती होंगी। मेरे तो पार भी भूल गए। सोचता
सोचता हूँ तुम पे एक राज फाश का ही डाल। राज फाश? राज फाश? क्या मतलब आपका? दरअसल ये मेरा इस दुनिया में मेरे जमाने की सिर्फ एक साहिबा दिख रही है। दरअसल ये मेरा इस दुनिया में दूसरा जन्म है। साला मना किए थे ना नहीं पीछे का तब भी करा गए। साला हमको तो समझ भी नहीं आता है कि शायद लोगों का बिना अपने काम में कहीं नहीं चलता है। अरे भाई मेरा खुदा गवाह है कि मैंने उस कम्बख पैप्सी के अलावा कभी कुछ पिया हो। अब तो ये हाल है। मेरे दूसरे जन ऐसा सुनना पसंद करोगे? अब जब आप अपना टाइम खराब करने पर तुलाए गए तो सुनाइए। अब हुआ यूं कि सन 1797 में मैं पहली बार पैदा हुआ और साहब 1869 में मेरा इंतकाल हो गया। अब साहब इंतकाल के बाद से मैं जन्नत की एक कैटेगरी के एक रूम में रहा करता था। आपको एक तो ये जन्नत और ऊपर से उसकी एक निकली करूं कैसे मिल गई? दरअसल हमने ऊपर वाले के फड़फड़ में एक आधा फड़फड़ नहीं, बेबोल नहीं तो ऊपर वाला फड़फड़ आ जाएगा। दरअसल हमने ऊपर वाले के बेबोल फड़फड़ में एक आधा शेर कह दिया था ना, जैसे जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, ये फिर न था कुछ तो खुदा था और कुछ न होता तो खुदा होता। गोया बाकी भाई हम लोग टाइम नहीं खराब करो। सुन लो मिया आईएएस का तैयारी कर रहा हूं ना। आईएएस खुदा आईएएस की तैयारी का मौका हर इंसान को दे। मैं कर रहा था कि सन 1797 में पहली बार पैदा हुआ और साहब 1869 में मेरा इंतकाल हो गया। अब साहब दूसरा जन्म लेने के चंद महीने पहले जहन्नम में अपनी सजा काट के मेरा एक नया रूम पॉटनर जन्नत में आया, फैज अहमद फैज। मुझे देखा और देखते ही मुझसे चिपट गया, बोला चाचा आप तो हम उर्दू शायरों के माई बाप हैं, चाचा आप ही तो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, चाचा आप उर्दू शायरी के बिल्लाड़ो हैं, बिल्लाड़ो चाचा आप भैंस भी हैं, चमक रहे हाँ चाचा आप वो भैंस हैं। आप तो ऐसे नाराज हो रहे जैसे मैंने गाय कह दिया हो। मैं कह रहा था आप वो भैंस हैं जिसकी सींगों पर उर्दू शायरी की दुनिया टिकी हुई है। मैंने कहा भले बालक जीते जी तो मेरी कोई कदर हुई नहीं, कभी वजीफा मिलना बंद हुआ तो कभी हवालात की नजर हुआ, अब मेरी इतनी वाहवाही क्यों? तो फैज बोले चचा यही तो ट्रेजेडी है। अरे हाँ छोड़िए हम लपेट लो लपेटो शाबाश लपेटो। फैज बोले चाचा यही तो ट्रेजेडी है, आप अपने अश्र जन्म से कोई 150 साल पहले ही पैदा हो। हाँ वो ये लपेटो सीरियस हो गए आप तो। फैज बोले
बोले बेटा यही तो प्राइजली है, आप अपने जनक से कोई 150 साल पहले पैदा हो गए, उस दौर में ना कहो आपकी कोई लपेट रही का गला भर आया, कहने लगे चचा काश आप इस दौर में पैदा हुए होते तो अपने ऊपर हो रही रिसर्च देखते, सेमिनार देखते, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जैसी जगह पे पढ़ो ग्राम देखते और कुछ नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में चेयरमैन तो होते। आप सलाम फेस की बातों में आ गए, आपके हमने ऊपर वाले को एक दरख्वास्त लिख भेजी, एप्लीकेशन ऐसा हिंदी में बोलिए ना, हमने 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 ऊपर वाले को एक दरख्वास्त लिख भेजी जिसमें अरे भाई जोर जोर से लपेटो ऊपर वाले को दरख्वास्त लिख भेजी जिसमें लिखा था कि देखिए ये आपकी गलती थी और जोर से गलती थी कि आपने मुझे मेरे हाथ में जनक ने कोई 150 साल और जोर से देखिए आपकी गलती थी आपने मुझे मेरे हाथ में जनक ने कोई 150 साल पहले पैदा कर दिया उस दौर में ना तो मेरी कोई कदर और जोर से साहब आपका मोटर लगवा दू Why?
रिक्शा वाला नहीं भाई, रिक्शा वाला से जरा सा ऊपर होता है। रिक्शा वाला भाई सर इस कारण से मिला
क्या कोना भी होगा कि गालिब इज इन न्यू दिल्ली। क्या आप रुकने का मुझसे? अरे ढोल मरते हैं, आपको तो भारत रत्न मिल जाएगा भाई, भारत रत्न। वैसे भी 3 साल से किसी को नहीं मिला है, इस सब पिछन बड़ी पे भी किसी को नहीं दिए। जितना भी डिजर्विंग कैंडिडेट था ना, उस सबको दे दिए। पहला वो सचिन तेंदुलकर, वो आदमी सबसे ज्यादा डिजर्विंग था तो उसको दे दिए। वो अलग बात है कि उनको राज्यसभा में कभी बोलने नहीं दिए। दूसरे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो हालात ऐसा पैदा हो गया कि उनको डिजर्व करना पड़ा। तीसरे अपने अडवाणी सर, उनको पद्म विभूषण दे दिए, अब उनको कुछ तो मिलना चाहिए। अब तो केवल आप ही बचे, आप ही मिला के उनको बारे में क्या बोल रहे हैं? एक और नाम है, कौन? अमित शाह? नहीं भाई, अमिताभ बच्चन। वो कभी समाजवादी पार्टी का सरकार बनेगा तब ना मिलेगा उनको। और सुनिए, आजकल जो हालात चल रहा है ना, हमको तो लगता है कि वो बनवे नहीं करेगा। कुल यादव चाचा भतीजा आपस में कट मारवा है भाई। अमिताभ बच्चन को भारत पसंद है। ये माता गांधारी का स्वभाव आप जाके पालित हुआ है। अब तो केवल आप ही बचे, आप ही को मिला के लोगों भारत तक पक्का प्रॉमिस लिखवा के दे दीजिए। आप ही को मिला के लोगों भारत तक प्रॉमिस। भारत रत्न जरूर कोई उनका किस्म की शराब होगी। भारत रत्न them well. No,
सैफू बहुत मालिक हो। सैफू? Yes. सिर्फ सैफू? सिर्फ सैफू? सिर्फ सैफू? ओके बाबा जी, सिर्फ सैफू। जी नहीं, नवाब सैफ अली खान चौधरी। मैं लोगों का नाम इज्जत से लिया जाना चाहिए, चाहे जैसी शक्ल सूरत हो। अब सल्लू नहीं मारेगा। सलमान खान नहीं मारेगा। छोड़िए साहब, सलमान खान का मामला तो पुराना हो गया, बल्कि खुद सलमान खान भी पुराना होता चला जा रहा है। अब वो सिड मल्होत्रा मारेगा। अब कोई भरोसा नहीं है कि ऐसे मौके का फायदा उठा के वो भी एक हाथ हाथ साफ कर ले। अरे भाई, जिसके गन्ने की खेती होती है, जब गन्ना कट जाता है तो बाजरा बोया जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एक हाथ हाथ साफ कर ले। अरे भाई, को जिनके सर पे नाम है, अरे जो हाथ से बांधी जाती है। मलिका होगी, मलिका के चारों तरफ भीड़ होगी, तभी वो गालिब की एंट्री होगी। गालिब रेलगाड़ी से आएंगे, ट्रेन से। गालिब मलिका को देखते अपनी बाहें फैला देंगे और कहेंगे, ऑटोग्राफ प्लीज। और मलिका भी गालिब को देखते ही अपनी बाहें फैला देगी और कहेगी, देखिए साहब, जब उन्होंने बाहें फैलाई दी हैं, तो कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं। दोनों पहाड़ी मोहतरमाओं, आप
कि आप लोगों के चक्कर में आके मैं किसी भी अहले गहले के साथ रात गुजार लूं। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, यस, थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा आप झुकिए। अजी खाब डाली ऐसी है, थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा हम झुकते हैं। जिस तरीके से आप झुकते हैं उस तरीके से सिर्फ आप ही झुक सकते हैं। झुक गई खालिद मेरे साथ कोई रात गुजार, मैं चमका रहा हूं। खालिद मेरे साथ कोई रात गुजार, चौकीदार हूं। खालिद मेरे साथ कोई रात गुजार, गुड़गांव के किसी कॉल सेंटर में नौकरी करता हूं। खालिद मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं क्या? यस, क्या यस? जो काम एक दो घंटे का है वो सुबह तक किया जाए। सुबह क्या करने के लिए बनी है? यस, जी नहीं, सुबह इबादत के लिए बनी है, सुबह पूजा पाठ के लिए बनी है। करेक्ट, अब रात का काम सुबह में और सुबह का काम रात में करेंगे, क्या नतीजा निकलेगा? क्या निकलेगा? आप जैसे लोग नतीजे। आबादी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो हिंदुस्तान का नौजवान पकौड़ा बेचेगा। मैंने भी छठ से कहा,
अंग्रेजी बोलना बहुत जरूर कहने लगी खालिद साहब आजकल मैं एक किताब लिख रही हूँ सेक्स इन गालिब्स पोएट्री पोस्ट मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस पोस्ट कांग्रेस पोस्ट समाजवादी पोस्ट टूजी पोस्ट ट्रिपल तलाक पोस्ट बजट पोस्ट नीरव पोस्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम परस्पेक्टिव अशार बता दीजिए जिसमें आपने सेक्स का इस्तेमाल किया हो मैंने उन्हें अपना दीवान दे दिया बस अच्छी खासी दोस्ती हो गई उन्हीं के साथ पार्टी शादी में भी जाने लगा ऐसी एक हेलो 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 शिट हेलो नेट वर्क प्रॉब्लम अरे भाई चाहे जियो या मरो ये मसला कयामत तक नहीं हल होने वाला देख लेना मसला कश्मीर का हल निकल आएगा इसका नहीं हाँ तो मैं कह रहा था उन्हीं के साथ पार्टी शादी में जाने लगा ऐसी एक पार्टी में दलेर मेहदी से मुलाकात हो गई कहने लगा खालिद पाजी मैं पाजी नहीं भाई पाजी मतलब बड़ा भाई अरे भाई पंजाबी में बड़ा भाई पाजी होता है कहने लगा खालिद पाजी मैं आपकी गजलों को पंजाबी में गाना चाहता मतलब चाहता मैंने उसे बहुत सारी गजलें दिखाई उसने मेरी वो वाली गजल ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता चुल्ली और साहब आज कल वो रोज से वी चैनल बिगा रहा है अब वी चैनल तो मैं कैसे समझाऊं भाई हाँ वी चैनल का मतलब अंग्रेजी मुशायरा लेकिन कम से कम कपड़ों में खुदा जिंदा रखे दलेर मेहदी को अगर वो अपनी पंजाबी गजलों की वजह से रोजाना लाखों कमाता है तो साहब मैं भी हजारों कमाता हूँ आतफ्ता आजकल कोका कोला की एड में भी आ रहा हूँ मुलाहिजा फरमाओ खालिद का दिल धड़क के बोला प्यार मोहब्बत इतने सारे लोगों ने इकट्ठा काफिया बांध लिया मस्जिद को जहां अरे भाई सुबह सुबह उठ जाता हूँ 11 बजे या 12 बजे बहुत देर हो जाए तो 1 बजे शाम को पार्टी शादी में चला जाता हूँ रात को भाई रात को 50 Shades of Grey पढ़ के ठंड बिल्कुल नहीं लगती Khalid@hotmail.com
बेकार बातें कर रहे हो, नहीं आएगी नहीं आएगी, इस उम्र में अंग्रेजी नहीं आएगी, जब कपिल देव को आ गई तो किसी को भी आ जाएगी। सहवाग को आ गई, शाहिद आफरीदी को आ गई, इंजमाम उल हक को आ गई, शख्स है जिसको बावजूद कोशिश भी अंग्रेजी नहीं आई है। नहीं नाराज नहीं, जो सच है वो सच है, जो हक है वो हक है। नहीं कुछ नहीं कहना, बस 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 बस, जब मैं कहना, अरे भाई ईमेल पे चैट होता है वो सिखा दूंगा, कुछ दिनों बाद व्हाट्सएप सिखा दूंगा। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं कहना बस, अच्छा भैया चलो बहुत देर हो गई, अच्छा। अरे नहीं 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 नहीं, तफ्ता कहना है कहना है कहना है, ऊपर अल्लाह मियां को बता देना कि वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान फिर से एक हो जाएंगे। कैसे मैं बताता हूं, देखो पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी है, वहां कभी ना कभी तो इलेक्शन होगा ही, जब इलेक्शन होगा तो वोट भी डाला जाएगा, और जब वोट डाला जाएगा तो बटन भी दबाया जाएगा, आगे तो तुम्हें मालूम होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यकीन यकीन, हाँ लव यू तफ्ता डाले। Along with your troupe, sir, for such a wonderful performance. I'm sure everyone feels that the auditorium is enthralled by such a captivating performance. Thank you, sir. Yes, sir. Give me only 5 minutes. Absolutely. Please welcome the members of Pierrot Troupe. Music on the themes of Ghalib, a performance by